अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपकी असाइनमेंट के हवाले से है। आपने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को यूज़ करके एक इमेज क्रिएट करना है, अपनी असाइनमेंट क्रिएट करनी है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आप देखें, इस फ्रेम में ये ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, ट्रायंगल्स वगैरह, और ये रेक्टेंगल्स हैं, आर्चेस हैं, ये सारी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। साथ इनऑर्गेनिक शेप है, और उसके बाद इस पर डिफरेंट टेक्सचर्स यूज़ किए गए हैं, लाइन वर्क है, ठीक है। अब इन सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके ये एक स्केच बना दिया गया है। इसका एक थीम है, ठीक है। इसका जो थीम है, इसको टाइटल दिया गया है पॉज का, और ये ज्योमेट्रिक वर्ल्ड के अंदर जो इनऑर्गेनिक शेप है उसकी रोटेशन से रिलेटेड है। ये एक एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। आपने भी ऐसे कोई थीम लेके उसके ऊपर ड्रा करना है और इन एलिमेंट्स को प्रोमिनेंट करके यूज़ करना है। इससे इसके बाद ये नीचे देखें, इसमें ये इनऑर्गेनिक शेप्स हैं, ये फिशेस वगैरह और सीज वगैरह, और ये सारी सीपियाँ सी बनी हुई हैं, और ये सी वर्ल्ड को दिखाया गया है। इसमें ये लाइन वर्क है सारा, बैकग्राउंड का यूज़ है, ये ग्राफिक प्रिंट है बेसिकली, लेकिन इसमें ये डिज़ाइन क्रिएट किया गया है। इसके बाद ये थर्ड वन पे आ जाएं, यहाँ पे आप ये देखें, ये ह्यूमन फिगर्स हैं, ये वॉच है, हैंड्स हैं, ये सारी इनऑर्गेनिक शेप्स हैं। उसके बाद ये टाइम को मेंशन कर रहा है, इसका टाइटल है सबसिस्ट, ये भी एक ग्राफिक प्रिंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, लाइंस के साथ टेक्सचर क्रिएट किया गया है, डेप्थ क्रिएट की गई है, बैकग्राउंड जस्ट वन सिंगल कलर है, और बाकी सारी वर्किंग जो है वो लाइंस है। लाइन से ही टेक्सचर भी क्रिएट किया गया, फॉर्म भी क्रिएट की गई है, ड्राइंग भी की गई है, ठीक है। अब इस पे इधर